M6। सबसे पहले डेटा कनेक्ट करते हैं हमारा, तो डेटा में हमारी एक सेल्स डेटा है, मैं उसको लेता हूं और यहां पे ओपन करता हूं। डेटा को सिलेक्ट किया एंड लो, और यहां हम समझने के डेटा समझते हैं कि ये सेल्स डेटा है, इसमें एस आई डी नेम है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट प्रॉफिट है, और यहाँ पे कस्टमर का रेट है। ओके, कंट्री हमारा क्या है, इसको सिलेक्ट करके कंट्री को अनरिकॉग्नाइज्ड को हम कर देते हैं कंट्री, ताकि सिस्टम उसको कंट्री रीड कर लेगा। अब आते हैं डेटा में, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग देना। हमने कंट्री को सिलेक्ट करके इसकी डेटा कैटेगरी में कंट्री सिलेक्ट कर दिया, ज्योग्राफिकल डेटा बना दिया, मैप मैप मैप, हाँ मैप में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो बेसिकली हम जो बनाने वाले हैं, ए चार्ट बनाने वाले हैं, जो दिख रहा है ए ए डैशबोर्ड बनाने वाले, सबसे ऊपर जो ब्लू वाला सेक्शन है पहले उसको लेके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में आते हैं या होम में ही टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं। कितना एरिया सही रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स में हम यहां पे लिखते हैं सेल्स डैश बोर्ड, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा कम करता हूँ, 28 नहीं 24 ही करता हूँ। इसको बोल्ड कर देता हूं। अब इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, यहां पे आते हैं इफेक्ट में, व्हाइट से मैं इस तरह का ब्लू ले लेता हूं, या कलर शेड में जाके आप ब्लू शेड ले सकते हैं कि कौन सा ब्लू चाहिए आपको, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी जो कलर कलर है टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते हैं, ब्लू पे व्हाइट भी अच्छा दिखेगा, ये हमारा बन गया। अब मुझे अपने क्या चाहिए, इसको छोटा, एक मिनट, अच्छा ग्रीन टाइप का है ना, ब्लू दे दिया ना, तो गलत कर दिया ना सर, नहीं अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा कलर है, राइट सर। तो क्या करें, कैसे पता करें कि कौन सा कलर है ऊपर वाला, इसके लिए हम पेंट में आएंगे, पेंट पेंट में यहां पे आता है कलर पिकर, कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा, ये कलर पिक कर लिया, यह है डार्क टीएल, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे ना, इस कलर का आ जाएगा RGB 19 110 109। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रेड हो जाएगा हमारा 19 110 और 109, ये है ना, हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, ये रहा, इसको भी ले सकते हैं, हाँ लेकिन सर ये याद रहता है ना 19 110 109, क्या ये याद करना मुश्किल होता है थोड़ा सा ना। उसके बाद ये आता है यहाँ पे, ओके इसको थोड़ा सा लेते हैं, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में सैप, ये वाला सैप्स लेते हैं,
थोड़ा छोटा करते हैं इसको। अब जैसे कि अभी इसके अंदर जो कोड है, ये जो कलर है वो लेना है सर। तो यहाँ पे आते हैं कलर पिकर, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पे आपने बोला कि कोड कॉपी कर लीजिए, तो चलिए कोड कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टाइल मोरफिल इस पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, खुश? अब यहां पे हम स्लाइसर लेते हैं। अब स्लाइसर में जैसे कि यहाँ पहला है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहां से उठाते हैं अपना प्रोडक्ट कैटेगरी, जो पी कैटेगरी है प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको ले लें। और इसकी जो ए है स्लाइसर सेटिंग है, इसको कर देते हैं वर्टिकल लिस्ट नहीं ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन कर दिया एंड छोटा छोटा करते हैं। इसकी जो ये जो जो आप देख पा रहे हैं कलर, आप देख पा रहे हैं ना इसकी अलग कलर है, तो चलिए इसकी कलर पिक करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर का कोड ये रहा। अब इसके यहाँ पे आते हैं स्लाइसर के अंदर, यहाँ पे इफेक्ट में इफेक्ट मोरफिन यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है, एंड ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं विजुअल में, स्लाइसर हेडर, इसकी जो कलर ब्लैक है ये हमने कर दिया वाइट। फिर इधर हो गया वैल्यू, वैल्यू के कलर भी मैं कर देता हूँ फॉन्ट कलर व्हाइट, व्हाइट करना ना। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं, तो ड्रॉप डाउन में वैल्यू नहीं दिख रही है। ठीक नहीं दिख रही है क्योंकि बैकग्राउंड ब्लाई आया हो गया ना, हलाई आया हो गया। स्लाइसर हेडिंग, स्लाइसर सेटिंग, वैल्यू, जनरल प्रॉपर्टी, इफेक्ट, स्लाइसर आइकन। ठीक कलर को ग्रे कर देते हैं, वैल्यू कलर को व्हाइट नहीं रखते हैं, ग्रे रखते हैं, लेकिन ज्यादा ग्रे ये हो गया। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, हाँ नो बैकग्राउंड की जगह पे मैं यहाँ पे सेम ही देता हूँ, नहीं ठीक वैल्यू बैकग्राउंड देना था। अब सही है ना। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, और ये जो टाइटल है ऊपर ना, ये जो टाइटल हेडर है इसकी साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए, या फिर इसको हटा ही देता हूँ मैं। बोल्ड, कैटेगरी को कम किया जा सकता है। और राउंड जो यहाँ पे दिख रहा है, जो कॉर्नर से जो राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे
स्लाइसर, इसमें जनरल के अंदर, इफेक्ट के अंदर, यहाँ बॉर्डर दिख रहा है ना, बॉर्डर ऑन कर दिया, और बॉर्डर का कलर भी सेम कर देता हूँ जो हमारा बैकग्राउंड कलर, और इसकी जो पीछे का, यहाँ से जो कॉर्न, इसमें वैल्यू में नहीं, इसमें इफेक्ट में, ये आपको दिख रहा होगा बॉर्डर, इसके अंदर जो राउंडिंग है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ज्यादा गोल दिखे, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब इसकी जो इसमें इसका लाइनिंग जो है, इसमें इफेक्ट बॉर्डर ऑफ तो है, इसका इफेक्ट सेट स्टाइल जनरल इफेक्ट अभी बॉर्डर ऑफ है, तो इसको मैंने लिया, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है सर। और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसमें अगला जो हमारा है वह है प्रोडक्ट, अगला प्रोडक्ट है हमारा, तो इसमें हम पीसी कैटेगरी हटाता हूँ और प्रोडक्ट को रख देता हूँ, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे और प्रोडक्ट को हटाता हूँ, अगला जो हमारा क्या है, अगला है हमारा अच्छा, इसमें अब प्रोडक्ट के साथ हेडिंग ऊपर नहीं है, अब क्या है कि जो दिख रहा है ना वो रिपोर्ट पावर बीआई में नहीं बनाया ऐसा है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम स्लाइसर हेडर यहाँ से हटा दें, और हम वैल्यू के अंदर ही कोई ऑप्शन है, यहाँ पे देखता हूँ, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके बाद यहाँ पे आता है सेल्स रीजन कंट्री एंड पीरियड, हाँ इसको अगेन कॉपी करते हैं, पेस्ट, इसको आगे की तरफ मूव किया, इसमें हमने क्या डाल दिया अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको अगेन कॉपी किया, पेस्ट किया, इसके अंदर हम डाल देते हैं कंट्री, कॉपी पेस्ट, इसमें थोड़ा जगह चाहिए क्योंकि हमें कुछ कुछ ज्यादा शो करना है, तो थोड़ा सा धर्मेश है, तो ये वहां से बढ़ा लीजिए, बढ़ जाएगा, नहीं स्पेस की बात कर रहा है ना, गैपिंग की ना, बताता हूँ, रुक जाइए, बताता हूँ उसको, सर रुक जाइए, रख लीजिए मुझे यहाँ पे कंट्री के बाद, और यहाँ पे हमने अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया, एंड लास्ट हम सेलेक्ट करेंगे एक कोना है भाई, इस पे नीट पे, हाँ रीजन किया, यहाँ पे प्लीज म्यूट कीजिए आप लोग, यहाँ किया, ठीक है।
अब जैसे कि आपने बोला कि सबकी स्पेसिंग होना चाहिए, अब इसको पावर वी में तो कभी किया नहीं, बट एक्सेल में एक फीचर होता है, चलिए उसी को देखते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में यहाँ पे आता अलाइन, लेफ्ट और टॉप, सबसे पहले टॉप अलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, दिख रहा है आपको, सबका सेम साइज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली में क्या होता है, सबका सेम साइज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। पहले आप सबको सिलेक्ट कर ले कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके, या शिफ्ट कंट्रोल से या शिफ्ट क्लिक करते होल्ड रखते हुए सबको सिलेक्ट कर ले, फॉर्मेट ऊपर, फॉर्मेट अलाइन, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जी बिल्कुल। अब हम कैनवस सेटिंग में आते हैं, और यहाँ इसकी जो बैकग्राउंड है वो तो बैकग्राउंड में यहाँ पे ए ए वाला बैकग्राउंड रखते हैं, इसको कम कर देता हूँ। प्लीज म्यूट करें, प्लीज रिक्वेस्ट है म्यूट करें प्लीज। यहाँ पे तो ये हमारा फर्स्ट सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे मुझे टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट और टोटल मार्जिन शो करना, तो यहां पे आते हैं। हाँ, यहां पे कार्ड लिया। कार्ड की जो बैकग्राउंड कलर है, यहां पे रखता हूं ऊपर, कार्ड की जो बैकग्राउंड कलर है, इसको सिलेक्ट, अच्छा पहले मैं डेटा डालूंगा तब आएगा, इसमें टोटल क्वांटिटी मैंने डाला, सोल्ड क्वांटिटी, और कार्ड के बैकग्राउंड कलर हमने ए दिया, हमने क्या डाल दिया, हमें डालना है जनरल इफेक्ट इसकी बैकग्राउंड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका किसी का पार्ट है, ठीक है सर। ऐसे यहाँ पे बढ़ाया गया है, इस इसमें भी सेम, हल्का हल्का सा डिफरेंट है ना, ऐसे आप हल्का सा डिफरेंट आपका है। अब इसमें एक चीज रखिए, ये कॉर्नर से शार्प नहीं है, कॉर्नर शार्प करना है तो कॉर्नर से शार्प भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट के यहाँ पे इफेक्ट में, यहाँ पे बॉर्डर को ऑन कीजिए, बॉर्डर की कलर बिल्कुल सेम रखिए, कॉर्नर कलर को, तो कॉर्नर को थोड़ा सा और इसको छोटा कीजिए, सम ऑफ क्वांटिटी का जो लेवल है लेवल हटा दीजिए, और इसकी टाइटल ऑन कर लीजिए, बाकी फॉर्मेटिंग तो आपको आता ही है, आप कर सकते हैं क्या सर, सोल्ड क्वांटिटी, अब यहां से इसको कॉपी करके यहां पे हम पेस्ट करते हैं जस्ट इसी के बगल में, और इस पे हम यहां पे डालते हैं अपना अमाउंट, और यहां पे हम टाइटल में क्या डालेंगे,
रेवेन्यू या जो भी अमाउंट या जो भी डालना है आप डाल दीजिए। पूछिए। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या बताइए। मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने हमने आपको क्या बोला कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट पावर बीआई पे नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं जब आपकी रिपोर्ट अगर फिक्स हो, बट आप ईयरली, यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे कि अगर मैं यहाँ ईयर सेलेक्ट करता हूँ 2023 तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना जो ईयर सेलेक्ट है उस ईयर से प्रीवियस ईयर में कितना बढ़ा है ना उसका यहाँ परसेंटेज आ, समझ गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसके लिए आपको डैक्स फंक्शन लगाना पड़ेगा। पहले तो रीड करना होगा जो डेटा आ रहा हो किस ईयर का आ रहा है, बात समझे। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेल जैसा इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता ना सर। नहीं, वो नहीं किया जा सकता है सर, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे मुझे ईयर क्वार्टरली और ईयरली क्या चाहिए, सेल्स रेवेन्यू एंड कस्टमर सर्टिफिकेशन, मार्जिन जो है कस्टमर सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से क्यों देख रहा हूँ मैं, ऐसे बना देता मुझे ये सब दिमाग में आया बना देता, बट क्या है ना मैं आपको कंपेयर करना सिखा रहा हूँ क्या चीजें पावर बीआई में हो सकती है क्या चीजें नहीं हो सकती है, वो थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, बात समझे। तो यहां से हम कॉलम चार्ट लेते हैं और यहां आप अपना कॉलम चार्ट देते हैं। ठीक है, और यहां हमने क्या डाला, पहले डालते हैं एक्सिस के अंदर में अपना डेट, डेट डाला। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ईयर मंथ और डे हटा देंगे, ईयर और क्वार्टर रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे अपना क्वांटिटी हमने डाला। अब यहां पे इस पे क्लिक कीजिएगा दिखेगा, ठीक है। अब यहीं पे हम कर देते हैं अमाउंट, अमाउंट आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं लाइन और कॉलम दोनों चाहता हूं, ये रहा लाइन वाला सेक्शन, इस पे सेलेक्ट कीजिए, इस पे सॉरी इस पे होगा, हाँ हुआ। अब यहां पे लाइन एक्सिस में मैं अपना सीआर रेट है वो रेट डाल देता हूं, समझे। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, मैं क्वांटिटी ने गलत डाल दिया, मुझे रेवेन्यू और प्रॉफिट चाहिए, एक क्वांटिटी फिर डाल दिया प्रॉफिट, तो इससे पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 50% का रेट है और कस्टमर कस्टमर का ये रहा रेट परसेंटेज। तो सीआर रेट को मैं यहाँ एवरेज कर देता हूँ, एवरेज, ठीक है। तो हर क्वार्टरली में कस्टमर का रेट भी मुझे पता चल रहा है कि क्या है, और फिर इसकी बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पे आइए इफेक्ट में, और हम ले लेते हैं हम अपनी वो वाली कलर, इसकी परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग तो खुद कर सकते हैं। फिर नीचे आप देखेंगे टेबल है, इसमें कंट्री सेल्स वॉल्यूम रेवेन्यू प्रॉफिट और मार्जिन प्रॉफिट है, तो यहां से हम टेबल लेते हैं। इस टेबल में हम अपना डालते हैं कंट्री, फिर डालते हैं अपना रेवेन्यू, देखिए अमाउंट एक क्वांटिटी भी है इसमें, हाँ सेल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने डाल दिया अपनी क्वांटिटी, मैं डाल दिया अपना अमाउंट, मैं डाल दिया अपना प्रॉफिट,
यहां पे मैं डाल दिया कस्टमर रेट, कस्टमर रेट हमारा एवरेज है, ठीक है। क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अमाउंट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहां मैं अपना मैप चार्ट चाहता हूं, तो यहां से मैप को क्लिक करता हूं, मैप फिल मैप चार्ट है, इसी को लेता हूं। ये रहा हमारा मैप चार्ट। अभी इस मैप चार्ट में कंट्री को हम अपना लोकेशन में डालें, ठीक है। और लेजेंड जो है उसमें अपनी हम अपनी क्वांटिटी फिट करते हैं, तो पता चल रहा है ना ब्लू है कहाँ कहाँ सेल हुआ है, दिख रहा है। फिर मैप लेते, ये मैप लेते हैं, फिर इसमें बबल्स साइज, बबल्स की जो साइज है वो क्वांटिटी में डाल देते हैं, लेजेंड को हटा देते हैं, और इसमें बबल साइज जो हमारा है क्वांटिटी वो इसको डाल देते हैं इसमें। ये भी अच्छा लग रहा है क्या? मैं हम यहाँ पे अपना एक और कॉलम चार्ट लेते हैं। इस कॉलम चार्ट में मैं प्रोडक्ट वाइज टोटल रेट दिखाऊंगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट है यहां रखा, और प्रोडक्ट वाइज मुझे यहां चाहिए कि कितना रेवेन्यू कितना प्रॉफिट, तो यहां पे मैंने अपना अमाउंट लिया इसमें रखा, प्रॉफिट लिया इसमें रखा, और एक कस्टमर रेट भी मुझे दिखाना है कस्टमर, लेकिन फिर मुझे ये वाली चार्ट जो है ये वाली चार्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन चार्ट में चाहिए ना कस्टमर रेट, नहीं कस्टमर रेट को लाइन एक्सिस में, और इसको कर देते हैं एवरेज। अब यहां पे आते हैं फील्ड में, हर जैसे हर किसी की अपनी अपनी सेटिंग्स है, यहाँ सेटिंग्स में आते हैं, तो यहाँ पे मार्कर ऑन करते हैं ताकि ये मार्क दिखे, और मार्कर की साइज को हम थोड़ा सा सैप्स वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं कैसा चाहिए, और इसकी साइज यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो लाइन है, लाइन में यहाँ आते हैं, सॉलिड है, क्लियर है, कलर, कलर में देखिए यहाँ, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई कलर ना हो, इसकी लाइन व्हाइट ले लेता हूँ, नहीं, व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, बट यहाँ कलर यहाँ हटाने का कोई सिस्टम नहीं है, मुझे मार्कर का कलर, अच्छा मार्कर आया हमारा ऑन, डेटा लेबल ऑन करता हूँ, ओके। अच्छा मार्कर कलर को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि जो मार्कर के कलर है उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं, और मुझे इस पे कलर जो है, ठीक सही रहेगा, ठीक है। लेजेंड ऑफ कर देता हूँ, कॉलन सही है, सही है, ठीक BI कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि आप देखिए, हर किसी का अपना अपना फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हैं इसका एक चार्ट के मैप की भी सेटिंग है,
मैप को क्या क्या चाहिए, बबल साइज क्या चाहिए, हीट मैप ऑन करना है कि नहीं करना है। हीट मैप ऑन करेंगे तो देखिए हीट मैप दिख रहा है आपको यहाँ पे। हीट मैप की अपनी कलर चूज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे रेड इसमें चाहिए, ठीक है ना, 50% एरिया में मुझे ये वाला चाहिए, 100% एरिया वाला में मुझे ये वाला चाहिए। इस तरह से हीट मैप आएगा। हीट मैप ऑफ करेंगे तो बबल दिखेगा, बबल की अपनी कलर है, आप कलर ले सकते हैं यहाँ से, इसका इस्तेमाल कर सकते। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऐसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग आपको दिख रहा है इस तरह से लोकेशन। तो अब इस तरह के जो आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर चार्ट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप चाहो तो गेट मोड विजुअल में जाके स्पीडोमीटर ले सकते हैं। आप सर्च कीजिए स्पीड, यह मीटर ये दिख रहा है ना सर, इस तरह का मीटर जो है आप ले सकते हैं। ये थोड़ा लोड करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि विजुअल नहीं है तो नहीं होगा, विजुअल अगर नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। मैप का लेजेंड इफेक्ट जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज नहीं होगा, यहाँ ये जो पीछे ब्लू दिख रहा है ना ब्लू रहेगा ही रहेगा। हाँ इसकी विजुअल में मैप स्टाइल में जाइएगा तो सारे स्टाइल मिलेंगे, जैसे लाइट ये आपको लाइट वाले मिल जाएंगे, ये आपका आता है गैस लाइट, ग्रे लाइट, तो इस तरह से ग्रे लाइट मिलेगा। तो ये सही लग रहा है ना, बैकग्राउंड कलर से मैच कर रहा है क्या सर। अब इस पे मैं ये मीटो चार्ट लेता हूं और यहां मान लीजिए मुझे यूरोप, यहाँ पे मुझे नॉर्थ अमेरिका का डालना है कि टोटल सेल कितना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू में मैंने अपनी क्वांटिटी डाली क्वांटिटी। अब यहाँ पे आता है स्टार्ट वैल्यू कि आपकी ये जो ये तो वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू, तो एंड वैल्यू में मैंने अपना क्वांटिटी यहाँ डाला, तो इसमें हमारा एंड वैल्यू सम ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू आ जाता है। नहीं, इसके लिए फिर आपको मेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना न्यू मेजर्स में गए, इसकी एक्सिस में आते हैं रेंज मान ओके, इसको देखना पड़ेगा इस हिसाब से। पहले यहाँ पे हम स्टार्ट डालते हैं अपना, तो यहाँ होम में आते हैं न्यू मेजर्स और यहाँ पे ST कर दिया और यहाँ पे हमने 0 दिया। न्यू मेजर्स यहाँ पे एंड देंगे, यहाँ पे END एंड, और एंड में मैं डालूंगा कि सम ऑफ द काउंट काउंट ए, कोई भी एक अमाउंट वगैरह या कोई भी एक फील्ड को काउंट कर लिया और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 100 के बिलिंग हमारा मैक्सिमम होता है। और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट जो ST है उसको डाल दिया स्टार्ट वैल्यू में, एंड वैल्यू जो है वो डाल दिया मैंने ENDE एंड में, एंड वैल्यू हमारा है एंड। उसके बाद यहाँ पे टारगेट वैल्यू रेंज स्टार्ट वन, तो रेंज स्टार्ट वन में मैंने डाल दिया यहाँ पे, सॉरी रेंज स्टार्ट टू क्या है हमारा, तो वो सब चीज आपको फील्ड बनानी पड़ेगी यहाँ पे। रेंज स्टार्ट टू जो है हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर शेड दिखेंगे।
इसके बारे में अगली क्लास में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, इसकी बैकग्राउंड आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे इफेक्ट में आके इसको ऑन कर दीजिए, ताकि पीछे का कलर आपका दिख जाए। कि जो टाइटल वगैरह इसको ऑफ कर दीजिए, टाइटल नहीं दिखाना है, या टाइटल में अपना खुद का कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस पर आप वैल्यू शो करना चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर में, प्लॉट वैल्यू एक्सेस लेवल। अच्छा, कलर सेम है ना, इस कारण से व्हाइट कर दीजिए। ये सब दिख रहा है, लेकिन छोटा था ना, इस कारण से नहीं दिख रहा। ठीक है, समझे? इस तरह से बाकी भी आप कर लीजिएगा। ये डेटा फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग खुद बनाइए और बना के मुझे भेजिए।